दोस्तों ये तरीका आपको मैं नहीं बता रहा हूं यूट्यूब आपको खुद बताता है कि आखिर किसी वीडियोस में लाखों व्यूज आप कैसे ला सकते हो आपका वीडियोस पर लाखों व्यूज कब आता है ये आपको यूट्यूब खुद बताता है बस इस चीज को अगर आप समझ गए ना तो फिर आपके वीडियोस लाखों लोगों के पास पहुंचेगा बस इसको आपको समझना है अब यहां पर देखो YouTube पर आखिर जितने वीडियोस पर व्यूज आता है आखिर व्यूज कैसे आता है तो यहां पर देखिए आप एक चीज़ देखे होंगे जब भी आप अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन करते होंगे तो आप क्या करते हो इस प्रकार से स्कॉल करते हो बाकी आप वीडियो देखते हो नहीं देखते हो लेकिन आप इस प्रकार से स्कॉल करते हो और आपके सामने बहुत सारे इस प्रकार से वीडियोस दिखता है अब मान लीजिए आपके पास ये वाला वीडियो आया आप भले इस वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे हो तो YouTube क्या किया इस वीडियोस का एक इम्प्रेशन काउंट कर लिया कि हम आपके वीडियोस का एक इम्प्रेशन लोगों के पास दिखाया अब उसके बाद फिर क्या हुआ थोड़ा सा स्क्रॉल किए और आपके पास ये देखिए मेरा वीडियो का इंप्रेशन इस प्रकार से चला गया बाकी अब वीडियो देखो या ना देखो लेकिन YouTube आपके पास मतलब लोगों पास इंप्रेशन भेज देता है तो मेरे YT स्टूडियो में एक इंप्रेशन इस प्रकार से काउंट हो जाएगा लेकिन अब यहां पर देखिए यानी कि आपके वीडियोज पर व्यूज लाने के लिए इंप्रेशन पहला जरूरी होता है जब यूट्यूब इंप्रेशन भेजेगा तब तो लोग उस पर क्लिक करेगा अगर यूट्यूब इंप्रेशन ही नहीं भेजेगा तो फिर आपका वीडियो लोग क्यों कैसे देखेगा क्यों लोगों के पास पहुँच ही नहीं रहा है तो यहां पर देखिए वीडियोस में लाखों व्यूज आने के लिए इंप्रेशन भेजना जरूरी है और यहां पर देखिए आप एक चीज देखे होंगे कि यूट्यूब पर इस प्रकार से स्कॉल करते होंगे ना तो एक चीज देखना नोटिस अगर नहीं किए हो तो जितने भी वीडियो आप स्कॉल करते हो तो सारे वीडियोज में देखना लाखों से प्लस व्यूज होगा अब एक चीज देख लेना यहां पर देखो इस वीडियो पर कितना व्यूज है यहां पर देखो छियासठ व्यूज है थोड़ा सा स्कॉल करते हैं यहां पर देखो ढाई लाख व्यूज है यहां पर देखो इस प्रकार से स्कॉल करेंगे तीन लाख व्यूज है यानी कि क्या करता है यूट्यूब अगर इंप्रेशन भेजना स्टार्ट कर दिया यानी कि जिस प्रकार से आप यहां पर स्कॉल कर रहे हो किसी का वीडियो दिख रहा है तो इस प्रकार से आपका वीडियो अगर दूसरे के पास जाना स्टार्ट हो गया तो फिर आपके वीडियोस पर भी लाखों व्यूज आएगा और यही काम बस आपको कराना है और ये आपको यूट्यूब खुद बताता है कि आखिर आप अपने वीडियोज को लोगों के पास इस प्रकार से कैसे भेज सकते हो और यहां पर देखिए आपके वीडियो तब तक वायरल नहीं होगा जब तक आपके वीडियो इस प्रकार से किसी के स्कॉल सेक्शन में नहीं जाएगा जिस दिन आपका वीडियो इस प्रकार से कोई स्कॉल करेगा उसके पास दिखना स्टार्ट हो गया तो फिर आपका व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा और ये होता है इंप्रेशन यानी कि जितने लोगों के पास इस प्रकार से स्कॉल करते टाइम जा रहा है तो ये हुआ इंप्रेशन और यही चीज बस आपको बढ़ाना है आपके वीडियोस वायरल क्यों नहीं होता है व्यूज क्यों नहीं आता है क्योंकि आपका इंप्रेशन डाउन है अब यहां पर देखो इंप्रेशन होता क्या है तो यहां पर देखो मैं वाई टी स्टूडियो आपको अपना ओपन करता हूं अब यहां पर देखो अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो यहां पर देखो थोड़ा सा मैं स्कॉल करता हूं यहां पर आपको दिखाता हूं इंप्रेशन आखिर कैसे बढ़ता है अपने चैनल का इंप्रेशन कैसे बढ़ा सकते हो तो यहां पर देखो इस वीडियो पर व्यूज मेरा कितना है यहां पर देखो इस वीडियो पर दस हजार तो को मैं ओपन करता हूं अब इस वीडियो पर दस हजार अगर व्यूज आया है तो इसका इंप्रेशन कितने लोगों पास भेजा है यूट्यूब यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर मैं क्या करता हूं रीच पर क्लिक किया तो यहां पर देखो 1.7 लाख लोगों के पास मेरा इंप्रेशन गया इस वीडियोस का यानी कि यहां पर देखो एक लाख सत्तर हजार लोगों के पास उस प्रकार से गया है होमपेज में तब जाके मेरे वीडियोस पर व्यूज कितना आया यहाँ पर देखते तो सिर्फ दस हजार व्यूज आया है यानी कि देख यहां तो यहाँ पर सिर्फ चार से पांच परसेंट व्यूज आ रहा है की जितने भी लोगों के पास जा रहा है ना उनमें से चार से पांच परसेंट लोग ही आपके वीडियो को वॉच करता है अब यहां पर देखिए जब आपके वीडियो लगभग सौ लोगों के पास जाएगा ना तो उनमें से दस लोग आठ लोग छे लोग क्लिक करेगा और यही रियलिटी है क्योंकि आप भी जब स्कॉल करते हो यूट्यूब तो सारे वीडियो को नहीं देख लेते हो आप उनमें से अगर आपके पास दस वीडियो दिखता है उनमें से एक वीडियो को आप क्लिक करते हो तो जब आपके वीडियो का सौ लोगों के पास इंप्रेशन जाएगा तो उनमें से दस लोग पांच लोग छे लोग क्लिक करेगा उतने लोग देखेगा अब जब आपके वीडियोस का हजार लोगों के पास जाएगा तो उनमें से

अगर थमनेल सही होता आपका तो उनमें से 10 परसेंट लोग 100 परसेंट आपके वीडियोस पर क्लिक कर देता है अगर जैसे कि 100 लोगों के पास जा रहा है तो उनमें से 10 परसेंट लोग क्लिक करता है आपके वीडियोस का तो इंप्रेशन बस आपको बढ़ाना है और अगर आपका ये क्लिक थ्रू रेट अगर कम आ रहा है तो थंबनेल आपको अच्छा बनाना है पहले से इंप्रूव करना है थमनेल क्योंकि थमनेल में आपका बहुत सारे कमियां हैं जब आपके थमनेल का सीटी यहां पर सात परसेंट आठ परसेंट नौ परसेंट दस परसेंट आ रहा है समझो आपका थंबनेल सही है थंबनेल में कोई आपका गलती नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका इंप्रेशन नहीं बढ़ रहा है अगर प्रॉब्लम यह है कि आपका इंप्रेशन ही नहीं बढ़ रहा है तो फिर इसको कैसे बढ़ाना है YouTube आपको खुद बताता है अब दोस्तों YouTube पर आप एक चीज देखे होंगे जैसे कि YouTube पर एक बार आप सर्च कर लेते हो जो कि कुकिंग का कुछ भी वीडियो जैसे कि मटर पनीर का सब्जी कैसे बनाएं तो देखना आपके पास जब नेक्स्ट टाइम आप YouTube ओपन करेंगे ना तो इस करेंगे तो आपको सिर्फ दिखेगा क्या कुकिंग से लेकर ही वीडियो दिखेगा आप अगर यूट्यूब पर एक बार सर्च कर लिए मूवी कोई भी अगर आप मूवी यहां पर सर्च कर लेते हो मूवी तो यूट्यूब पर आप एक बार सर्च करना मूवी तो उसके बाद क्या होगा पता है इस प्रकार से एक बार आप मूवी इस प्रकार से देखोगे ना तो उसके बाद बाद में जब यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा सिर्फ आपको मूवी ज्यादा दिखाया जाएगा इस प्रकार से ठीक है एक बार अगर आप मूवी कोई वीडियो को देख लेते हो यानी कि YouTube इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि YouTube पर आप जो सर्च करते हो एक बार दो बार तीन बार जिस चीज को सर्च करते हो वही चीज इस प्रकार से स्कॉल करेंगे तो आपको बार बार दिखेगा अगर आप कोई गेमिंग का वीडियो सर्च कर लेते हो बार बार आपको गेमिंग का वीडियो दिखेगा गाना ज्यादा सुनते हो तो फिर ज्यादा आपको गाना ही दिखेगा और यही रियलिटी है तो इंप्रेशन बढ़ाने का तरीका क्या है आखिर कैसे हम इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं अब आप ये तो समझ गए कि YouTube पर जो लोग एक बार सर्च करता है तो उसी से मिलता जुलता उसको वीडियो दिखता है कोई अगर जैसे कि आप मेरे वीडियोस तक पहुंचे हो हमारे चैनल तक पहुंचे हो तो क्या मेरे चैनल का वीडियो आपने मेरे चैनल को पहले से आपको पता था मेरे चैनल को आप सर्च किए हो बिल्कुल सर्च नहीं किए हो आप क्या किए हो कि आप कोई YouTube पर वीडियोस देखते होंगे हो सकता है व्यूज़ कैसे बढ़ाएं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं या फिर YouTube ट्यूब्स का कोई भी वीडियोस को आप देखते होंगे और देखते ही देखते मेरा वीडियो आपके पास चल गया आपके पास गया तो आप क्लिक किए अब ये क्यों किया पता है क्योंकि आप मेरे ही कैटेगरी का कंटेंट को सर्च कर रहे थे यूट्यूब पर हो सकता है कुछ भी व्यूज कैसे बढ़ाएं कुछ भी आप यूट्यूब उसका कोई वीडियो सर्च किए होंगे और किसी और का वीडियो देखते होंगे लेकिन नीचे मेरा वीडियो दिखा होगा या फिर दूसरी बार यूट्यूब ओपन किए होंगे तो मेरा वीडियो होगा तो फिर आप मेरे चैनल तक पहुंचे हो तो यही चीज़ तो आपको समझना है तो आपका इम्प्रेशन अपने आप बढ़ेगा और जब इंप्रेशन बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया कि इंप्रेशन बढ़ने के बाद अगर आप थंबनेल सही बनाते हो तो उनमें से 10 परसेंट आपका व्यूवर 100 परसेंट आपका आएगा 100 लोगों के पास जाता है 10 लोग वाच करेगा हजार लोगों पास जाएगा 100 लोग वाच करेगा अगर एक लाख लोगों के पास जाएगा दस व्यू जाएगा अब यहां पर देखो इंप्रेशन बढ़ेगा कैसे तो इस चीज को आपको समझना होगा यहां पर देखो इंप्रेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है अब वाई टी स्टूडियो आप जैसे ओपन करते हो ना तो यहां पर देखिए एनालिटिक पर आपको क्लिक करके और यहां पर देखिए आपको जो मिलता है यहां पर देखिए इंस्पिरेशन तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके यहां पर देखो जैसे कि आपका चैनल जो भी है जिस कैटेगरी का चैनल है जैसे कि यहां पर देखो मैं यहां पर जाता हूं सर्च में और यहां पर मैं सर्च करता हूं एक चीज क्या सर्च करता हूं कुछ भी जो टॉपिक आप बनाने वाले हो जिस वीडियोस को बनाने वाले हो यहाँ पर देखिए मैं कुकिंग चैनल का कोई एक सर्च करता हूं कीवर्ड वर्ड यहां पर लिखता हूं तो यहाँ पर देखो मैंने टाइप किया मटर पनीर की रेसिपी ठीक है क्योंकि मैं इस टाइटल पर एक वीडियो बनाने वाला हूं तो पहले यहां पर सर्च करो जिस टाइटल पर आप वीडियो बनाने वाले हो पहले इसको सर्च करो इंप्रेशन बढ़ाने का सही तरीका यही है अगर आप चाहते हो ज्यादा इंप्रेशन आए तो आपको यह करना होगा यूट्यूब आपको खुद बताता है यहां पर देखो मैं इसको सर्च कर देता हूं मटर पनीर रेसिपी तो मैंने सर्च किया अब सर्च करने के बाद देखिए देखिए आपको आपको यहां यहां पर 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 इस पर आपको क्लिक करना होगा Searches on YouTube. और मटर पनीर रेसिपी का आपको ये यह सारा यहां पर देखिए यह सब जो आपको टाइटल मिल रहा है ना यहां पर देखिए सर्च वॉल्यूम लो है सर्च वॉल्यूम हाई है यहां पर देखो आने आपको यहां पर वो सारे सर्च रिजल्ट में आपको वो सारे यहां पर कीवर्ड शो होगा जो कि इन सारे चीज को लोग ज्यादा सर्च करता है और इन सब चीज को जब लोग ज्यादा सर्च करता है भले आपके वीडियो तुरंत उसके पास नहीं जाए जब एक बार सर्च करके वो कट करेगा यूट्यूब दोबारा ओपन करेगा आपके वीडियो उसके पास जाएगा अब जाएगा कैसे क्योंकि ये सारा कीवर्ड को आपको करना क्या है इन सब की में से कोई आपको टाइटल बनाना है अपने अपने वीडियोस का टाइटल आपको चुनना है यहां पर देखिए हाई सर्च वॉल्यूम है यानी कि इसको आप बना सकते हो अपना टाइटल ठीक है बाकी ये सारे कीवर्ड को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डालना होगा अपने डिस्क्रिप्शन में आपको एड कर देना अपना में आपको एड कर देना अब क्या होगा पता है जो लोग इन सारे की को सर्च करता है उसके पास जाएगा क्योंकि उसी प्रकार से मेरा वीडियो आपके पास पहुंचा है आप कोई और वीडियो देख रहे थे किसी और का लेकिन YouTube टिप्स वाला ही देख रहे थे तो फिर मेरा वीडियो आपके तक पहुंचा तो यहां पर भी आपको क्या करना है इन सब कीवर्ड में जो बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियोस बनाता है तो उसका वीडियो कोई देखने आएगा ना तो आपका वीडियो उसके पास जाएगा लेकिन क्यों कैसे इसके लिए आपको टाइटल इसी को बनाना होगा डिस्क्रिप्शन में आपको एड करना होगा ये और आपको टेक्स में भी एड करना होगा और ये तरीका यूट्यूब आपको खुद बताता है अब ये सारे चीज यहाँ पर क्यों दिख रहा है क्योंकि ये सब चीज को सर्च करता है कौन जिसको मटर पनीर का सब्जी बनाना है अब आपका चैनल जो है ब्लॉगिंग चैनल है तो ब्लॉगिंग से आपको रिलेटेड आपको पे सर्च करना है यूट्यूब का है तो यूट्यूब से आपको पे सर्च करना है मुझे मान लीजिए एक टॉपिक बनाना है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो यहां पर सिंपल में क्या सर्च करूंगा पर पर मैं लिखूंगा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो देखो मैं सर्च करता हूं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं अब मैं सर्च करता हूँ सर्च ऑन यूट्यूब तो यहाँ पर देखो ये सब की वर्ड पर दिख रहा है तो इन्हीं में से किसी को मैं टाइटल बनाऊंगा और इन्हीं में की को मैं क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन में करूंगा करूंगा ठीक है तो यही तरीका होता है इंप्रेशन बढ़ाने का और नए चैनल का इंप्रेशन नए नए ऑडियंस तक तभी पहुंचेगा जब उन सारे कीवर्ड का आप सहारा लेंगे अगर कीवर्ड कोई नहीं लेते हो मान लीजिए आप YouTube पर वीडियो डाल देते हो बिना टाइटल डिस्क्रिप्शन का आपका वीडियो किसके पास भेजेगा YouTube? YouTube किसी के वीडियोस को जान पहचान कर नहीं भेजता है वो कीवर्ड से काम करता है कीवर्ड के थ्रू आपके वीडियोस को लोगों के पास पहुंचाता है तो ये काम अगर आप करते हो तो आपके वीडियोज का इंप्रेशन अपने आप बढ़ेगा और इंप्रेशन बढ़ेगा तो व्यूज खुद बढ़ेगा आपके वीडियोज़ का व्यूज बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है इंप्रेशन अगर यूट्यूब मान लीजिए बहुत लोगों के पास दिखाना स्टार्ट हो कर दिया तो फिर व्यूज तो अपने आप आएगा ना तो बस अपना इंप्रेशन बढ़ाओ ना और इंप्रेशन बढ़ाने का तरीका यही है ये जो आपको यहां पर की दिखता है ना इस की का आपको टाइटल बनाना है डिस्क्रिप्शन बनाना है टैक्स भी आपको लगाना है ताकि इन सारे की को जो सर्च करता है उसके पास आपका वीडियो जाए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना